हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को जरूर दबाएं। ज्योतिष रत्न लाइव के इस कार्यक्रम में मित्रों आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा, मेरी ओर से भी आप सभी को प्यार भरा नमस्कार। मित्रों आज हम आपके समक्ष माह फरवरी 2020 का मासिक राशिफल जो कि मेष राशि से लेकर के और मीन राशि तक है उसके विषय में आपके सम्मुख चर्चा की जाएगी आज एक एक राशि की। लेकिन जैसा कि हर बार हम आपको राशिफल की चर्चा करने से पहले ग्रहों की जो गोचर में स्थिति है उससे भी आपको अवगत कराते हैं, क्योंकि इस ग्रह गोचर की स्थिति के अनुसार ही आपके राशिफल का तैयारियां होती है। तो आइए जानते हैं कि इस माह फरवरी में ग्रहों की गोचर में स्थिति क्या है। तो सबसे पहले सूर्य जो कि वर्तमान में अपनी शत्रु राशि मकर में संचार कर रहे हैं अपने शत्रु ग्रह शनि के साथ, लेकिन 13 फरवरी 2020 को ये इस राशि से निकलकर अपनी शत्रु राशि कुंभ में प्रवेश करने वाले हैं। वहां इनकी युति अपने मित्र ग्रह बुध के साथ बनने वाली है। मंगल वर्तमान में अपनी स्वयं की राशि वृश्चिक में संचार कर रहे हैं, लेकिन 7 फरवरी 2020 को ये अपनी मित्र राशि धनु में प्रवेश करेंगे। वहां पर इनकी युति अपने मित्र ग्रह गुरु और सम ग्रह केतु के साथ होगी। बुध अपनी मित्र राशि कुंभ में संचार करते रहेंगे मित्रों पूरे माह, लेकिन 17 फरवरी 2020 को ये वक्री होंगे यानी उल्टी चाल चालू करेंगे चलना, और 19 फरवरी को ये फिर पश्चिम में अस्त भी हो जाएंगे। गुरु बृहस्पति मार्गी एवं उदय अवस्था में पूरे माह अपनी स्वयं की राशि जो इनकी धनु है उसी में इनका संचार होता रहने वाला है, तथा यहाँ इनकी युति अपने मित्र ग्रह मंगल तथा सम ग्रह केतु के साथ होगी। शुक्र वर्तमान में अपनी मित्र राशि कुंभ में संचार कर रहे हैं मित्रों, लेकिन यह 2 फरवरी 2020 को अपनी उच्च राशि मीन में उदय एवं मार्गी अवस्था में प्रवेश करेंगे, तथा 28 फरवरी को फिर ये दोबारा अपनी राशि चेंज करेंगे इस राशि को मित्र राशि को, और ये अपनी सम राशि मेष में प्रवेश कर जाएंगे। यानी कि 2 फरवरी को तो आएंगे ये अपनी उच्च राशि मीन में जो कि इनकी उच्च की राशि है उदय और मार्गी अवस्था में, और उसके द्वारा फिर उसी माह में ही 28 फरवरी को ये अपनी सम राशि मेष में प्रवेश करेंगे। शनि वर्तमान में अपनी स्वयं की राशि मकर में संचार कर रहे हैं मित्रों मार्गी एवं उदय अवस्था में, और ये पूरे माह इसी राशि में ही इनका संचार चलता रहेगा, ये संचार अपना करते रहेंगे इसी राशि में पूरे माह। केतु भी पूरे माह अपनी उच्च की राशि धनु में इसी प्रकार संचार करते रहने वाले हैं, और राहु भी अपनी मित्र और उच्च की राशि जो उनकी मिथुन है उसी में उनका संचार पूरे माह होता रहने वाला है। तो मित्रों यह था आपके ग्रहों की गोचर में स्थिति जिसके आधार पर आपका राशिफल तैयार किया गया है। आगे चर्चा करेंगे मित्रों आप कुंभ राशि के जातकों के विषय में कि उनका माह फरवरी 2020 का राशिफल कैसा है। सर्वप्रथम आपके व्यवसाय की चर्चा करने वाले हैं, तो आइए जानते हैं कि आपकी राशि के एकादश भाव में लक्ष्मी योग बनने के कारण इस माह आप अपने कार्य क्षेत्र चाहे रोजगार से जुड़े हैं या फिर व्यापार करते हैं अच्छे एवं अनुकूल परिणामों की प्राप्ति आपको होगी, और कह सकते हैं कि सामान्य से अधिक शुभ फलों की प्राप्ति आपको अपने कार्यक्षेत्र से संबंधित होती रहने वाली है। दूसरी ओर आप शुभ फलों की प्राप्ति हेतु परिश्रम करने से भी पीछे हटने वाले नहीं हैं। जो व्यक्ति अकाउंट्स आईटी जैसे क्षेत्रों से जुड़े हैं या कार्य करते हैं वे अपनी बुद्धि के द्वारा अपने विभाग में सभी कार्यों को सफलतापूर्वक पूरा कर पाएंगे। माह के मध्य के उपरांत आपके अपने विभाग में मान और सम्मान में भी आपकी वृद्धि होने वाली है, तथा सभी लोग जो कि आपके साथ आपके विभाग में आपके सहयोगी के रूप में जुड़े हुए हैं या कार्य करते हैं चाहे वे आपके जूनियर हैं या फिर आपके सीनियर हैं, जो भी अधिकारी हैं आपके वरिष्ठ, आपके कार्यों और आपके अपने काम पर पकड़ होने के कारण एक अच्छी मजबूत पकड़ होने के कारण आपसे परामर्श भी करेंगे, वो आपसे सलाह मशवरा करेंगे अपने नए आने वाले कार्यक्रमों के लिए और अपने प्रोजेक्ट्स के लिए उन पर। इस प्रकार आपका अपना वर्चस्व अपने विभाग में
पूर्ण रूप से बना रहने वाला है सभी पर। इस माह के मध्य के उपरांत या तो आपकी पदोन्नति के अवसर आपको प्राप्त हो सकते हैं, ऐसा नहीं है कि जहां पर आप कार्य करते हैं वहीं पर हो, कहीं बाहर से भी आपको दूसरी जगहों से भी, दूसरी कंपनियों से भी आपको अच्छे ऑफर प्राप्त हो सकते हैं पदोन्नति के, या फिर आपकी आय में वृद्धि हो सकती है। आप चाहें तो इस समय का पूर्ण रूप से लाभ प्राप्त करके चल सकते हैं। यह एक ऐसा समय है कि हम आपको बताना चाह रहे हैं कि ये आपकी लॉटरी जैसा समय है, कि जैसे कहते हैं ना लॉटरी लग गई या लॉटरी लग जाए, कुछ इस समय इस आधार पर ग्रहों की स्थिति बनी हुई है, कह सकते हैं हम ये चीज। वित्तीय स्थिति, इस माह के मध्य के उपरांत अचानक या तो आय में वृद्धि होगी मित्रों, या फिर कहीं से धन की प्राप्ति हो सकती है, मगर आपके खर्चों में भी साथ साथ वृद्धि बराबर होती रहेगी। धन का संचय भी करेंगे, ऐसा नहीं है कि नहीं करेंगे, या फिर अपने धन का निवेश भी किसी ऐसी जगह पर कर सकते हैं लंबी अवधि के लिए कि जिसका आपको लंबी अवधि में जाकर के उसका लाभ प्राप्त हो। प्रेम संबंध, इस माह के मध्य के उपरांत आपको अपने प्रेम संबंधों में प्रगति होने वाली है, यही कहेंगे हम, ग्रहों की स्थिति ऐसी है, मगर एक दूसरे के साथ शिकवे शिकायत भी बने रहेंगे थोड़े बहुत, ज़्यादा नहीं। और साथ ही अगर आप विवाह की योजना बनाते हैं तो उसमें आपको सफलता यहाँ पर मिल सकती है, ये कहना चाह रहे हैं हम। इस कार्य में कुछ दुविधाएं आपको अवश्य आ सकती हैं, मगर सफल होंगे अगर आपके प्रयास रहे तो। ये था मित्रों आपके प्रेम संबंधों के विषय में, आगे आपसे चर्चा करेंगे आपके पारिवारिक संबंधों के विषय में। बताना चाहेंगे मित्रों कि इस माह आपके अपने परिवार के साथ संबंध बहुत ही मजबूत रहेंगे, बहुत अच्छे संबंध, परिवार की ओर से आपको पूर्ण सहयोग प्राप्त होना होगा, आर्थिक रूप से भी आपको मदद मिल सकती है अपने परिवार की ओर से। परिवार में आते हैं आपके बुजुर्ग, आपके बड़े भाई बहन, छोटे भाई बहन, तो अपने परिवार की ओर से छोटे बड़े भाई बहनों का भी पूरा सहयोग आपको यहाँ पर प्राप्त होगा, आपके बुजुर्गों का आशीर्वाद आपको मिलेगा। शिक्षा को लेकर आपके द्वारा किए जा रहे प्रयासों में अचानक सफलता प्राप्त कर पाएंगे आप। हालांकि आपके मन में तो भ्रम बना रहेगा निरंतर अपने परिणामों को लेकर के, अच्छे आएंगे खराब आएंगे, कैसे आएंगे कैसे नहीं आएंगे, लेकिन परिणाम आशा से भी ऊपर आएंगे। संतान, इस माह आपकी संतान के द्वारा आपको चकित करने वाले परिणामों की प्राप्ति हो सकती है जिनकी आपने कभी आशा नहीं की थी, ऐसे परिणाम अचानक प्राप्त हो सकते हैं आपको संतान की ओर से, ये परिणाम बहुत ही अनुकूल होंगे। स्वास्थ्य, इस माह आपको अपने स्वास्थ्य का पूरे माह बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की आवश्यकता होगी, साथ ही समय समय पर निरंतर जांच भी अगर कराएंगे तो और भी अच्छा। उपाय क्या किए जाए, तो मित्रों क्योंकि शनि की साढ़े साथी आपकी राशि पर आरंभ हुई है इसी वर्ष से, इसलिए शनि के उपाय करते रहें पूरे वर्ष, आगे तक करते रहें। और शनि उपाय क्या करना है कि प्रत्येक शनिवार और मंगलवार को हनुमान जी की प्रतिमा के समक्ष जाकर के सामने सरसों के तेल का दीपक जलाना ना भूलें, वे हनुमान चालीसा का पाठ भी करें, शनि चालीसा का पाठ करें, शनि स्तोत्र कर सकते हैं, शनि के मंत्रों का जाप कर सकते हैं, और प्रत्येक शनिवार को संध्या के उपरांत पीपल के वृक्ष के नीचे जाकर सरसों के तेल का दीपक जलाएं, साथ में वहीं बैठ करके अगर शनि चालीसा या शनि स्तोत्र करें तो बहुत अच्छा, या शनि के मंत्रों का जाप करें तो उससे आपको लाभ होगा। साथ ही अर्गला स्तोत्र का नियमित रूप से अगर आप पाठ करते हैं तो ये आपके लिए बहुत लाभकारी होगा। तो मित्रों ये थे कुछ छोटे छोटे उपाय, अगर आप करेंगे तो जीवन में लाभ प्राप्त होगा आपको निश्चित रूप से। तो ये था आप कुंभ राशि के जातकों का माह फरवरी 2020 का राशिफल। आपको पसंद आया तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही जो भी बेल आइकन है दिखाई दे रहा है आपको उसको अवश्य दबाएँ ताकि जो भी हमारे नवीन कार्यक्रम हैं उनके वीडियोज़ आप तक आसानी से पहुँच सकें और आप उनका भी समय अनुसार लाभ प्राप्त कर सकें। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद, जय माता दी।